Hi, I'm Sifra. Pura naam? Super intelligent female robot automation. तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। शाहिद कपूर और कृति सनोन मैम मिस्टर मूवी तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया मूवी रिलीज के आज पूरे 11 दिन कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे रॉबी तेजा सर की जो मूवी है ईगल, जिस मूवी के हिंदी टाइटल है शहदेव, ये मूवी रिलीज के भी आज पूरे 11 दिन कंप्लीट हुआ है। तो ईगल एंड तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया मूवी के 11 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। साथ ही साथ मराठी मूवी शिव रायन साबा रिलीज के आज पूरे 4 दिन कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर इस मूवी के भी 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बता देंगे। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें मास महाराजा रॉबी तेजा सर की मूवी ईगल के बारे में, तो दोस्तों ईगल मूवी रिलीज के आज पूरे 11 दिन कंप्लीट हुआ है। इस मूवी के टोटल बजट थे पूरे 35 करोड़, और इस मूवी के जो वर्ल्ड वाइडली थिएटरिकल राइट्स है वो बिके थे पूरे 21 करोड़ में। मतलब इस मूवी को हिट होने के लिए 22 करोड़ की ऊपर कलेक्शन चाहिए था बस। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों चलिए कलेक्शन पे थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं। जैसे कि आज रिलीज के पूरे 11 दिन कंप्लीट हुआ है, लेकिन मूवी ईगल ने शुरुआती दिन से लेकर अपने कल तक यानी 10 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन कर लिया था पूरे 51 करोड़ 40 लाख रुपए 10 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बात की जाए दोस्तों मूवी के 11वें दिन के कलेक्शन की यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है मंडे, मतलब वर्किंग डे है, तो हल्का सा ड्रॉप देखने को मिलता है यहाँ पे कलेक्शन। रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी ईगल अपने 11वें दिन पे यानी आज जो नेट कमाई करने लगा है इंडिया बॉक्स ऑफिस पे पूरे 65 लाख रुपए, जबकि इंडिया के अंदर आज डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 75 लाख रुपए। और रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से जो कमाई आने लगे हैं पूरे तकरीबन 20 लाख रुपए। यानी मास महाराजा रॉबी तेजा सर की जो मूवी ईगल है अपने 11वें दिन पे भी वर्ल्ड वाइड जो कमाई करने लगे हैं पूरे 95 लाख रुपए। और इसके साथ दोस्तों मूवी ईगल के अगर 11 दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोस्तों मास महाराजा रॉबी तेजा सर की मूवी ईगल के 11 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है पूरे 52 करोड़ 35 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है मूवी ईगल के 11 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो की हुआ है पूरे 52 करोड़ 35 लाख रुपए, और मूवी हो चुका है ब्लॉकबस्टर मूवी। यहाँ पे दोस्तों बात करें शाहिद कपूर और कृति सनोन मैम मिस्टर मूवी तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया मूवी के बारे में, तो दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया मूवी के टोटल बजट थे पूरे 50 करोड़। कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 7 करोड़ 2 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 10 करोड़ 50 लाख, और अपने तीसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 11 करोड़ 59 लाख रुपए। इसी तरह से दोस्तों मूवी तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया मूवी ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में टोटल इंडिया पे सो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 46 करोड़ 17 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी तेरी बातों में ऐसा उल्जा मूवी के दूसरे हफ्ते के जो कलेक्शन है बहुत ज्यादा जबरदस्त है, खास करके सैटरडे और संडे के कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, मूवी ने अपने 8वें दिन पे जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 21 लाख रुपए, अपने 9वें दिन पे इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 45 लाख रुपए, और अपने 10वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने पूरे 6 करोड़ 21 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया था। बात की जाए आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज मंडे है, वर्किंग डे है, हल्का सा ड्रॉप तो देखने को मिलेंगे ही। रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया मूवी अपने 11वें दिन पे यानी आज जो नेट कमाई करने लगा है पूरे 3 करोड़ का। इसके साथ दोस्तों मूवी तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया मूवी के 11 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होता है इंडिया बॉक्स ऑफिस पे पूरे 64 करोड़ 4 लाख रुपए, जबकि 11 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन हो चुका है पूरे 81 यानी 81 करोड़ का। और इन 11 दिनों में
टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से पूरे 31 यानी 31 करोड़ का। यानी शाहिद कपूर और कृति सनोन मैम मिस्टर मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी ने 11 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है पूरे 112 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी की 11 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि हुआ है पूरे 112 करोड़, और मूवी हो चुका है सुपर डुपर हिट मूवी। यहाँ पे बात करें दोस्तों मराठी मूवी शिव रयान साबा मूवी के बारे में, जो मूवी रिलीज के आज पूरे 4 दिन कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों शिव रयान साबा के टोटल जो बजट है पूरे 8 करोड़। कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया के अंदर जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 60 यानी 60 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 90 लाख का, अपने तीसरे दिन पे यानी कल संडे था तो कलेक्शन के मामले में ग्रोथ देखने को मिले थे, और कल इस मूवी ने पूरे 1 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया था। बात की जाए आज के कलेक्शन की तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी शिव रयान साबा आज अपने मंडे को चौथे दिन पे जो नेट कमाई करने लगा है पूरे 50 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी शिव रयान साबा के 4 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन होता है पूरे 3 करोड़ 30 लाख रुपए, जबकि इंडिया के अंदर 4 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होता है पूरे 4 करोड़ 20 लाख रुपए। जबकि दोस्तों ये मूवी ओवरसीज मार्केट पे तो रिलीज नहीं हुआ था। तो दोस्तों यही है मूवी शिव रयान साबा के 4 दिनों का टोटल इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन जो कि हुआ है पूरे 4 करोड़ 20 लाख रुपए। आपको बताते चले मूवी शिव रयान साबा को हिट होने के लिए और भी तकरीबन 4-5 करोड़ के कलेक्शन करने होंगे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो यही थे तीनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपसे उम्मीद है कि आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।